नमस्कार, अंडमान लाइव के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए एक नजर डाल लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ अहम खबरों पर। पोर्ट ब्लेयर शहर के जंगली घाट क्षेत्र में ट्रैफिक की खराब व्यवस्था से पोर्ट ब्लेयर शहर के लोग बेहद परेशान हैं। जंगली घाट क्षेत्र पूरे पोर्ट ब्लेयर शहर का दूसरा सबसे व्यस्त इलाका है। इस वजह से जंगली घाट इलाके में हमेशा लोगों की बहुत भीड़ रहती है। लोगों के साथ साथ गाड़ियों की बढ़ती भीड़ के कारण व्यस्त समय में अक्सर जंगली घाट में ट्रैफिक जाम हो जाता है। शहर के लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। जंगली घाट क्षेत्र के पूर्व पार्षद महेंद्र के अनुसार जंगली घाट के मुख्य मार्ग और आसपास बने पार्किंग स्थलों पर अगर गाड़ियों को पार्क किया जाए तो मुख्य मार्ग से दबाव काफी कम हो सकता है। जो ट्रैफिक जो हिसाब से गाड़ी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ट्रैफिक हर जगह काफी तेजी से मतलब बहुत मुसीबत आ रहा है। जैसे कि अभी जंगली घाट राधा कृष्ण टेम्पल के बगल में जो सीपी दुकान है, जो सागर का टाइप, वो सब जगह एक साथ टूरिस्ट गाइड लोग ला के गाड़ी वहां खड़े देते, बस स्टॉप भी भरे हैं, जिससे हर दिन शाम को काफी ट्रैफिक जाम होता है और ट्रेंटर भी सामने होने के कारण बच्चों को लेने के लिए, तो ये सब पेरेंट्स आते हैं, काफी पेरेंट्स आते हैं, तो जैसे टूरिस्ट का अपना गाड़ी रहता है, पेरेंट्स का अपना गाड़ी रहता है, पब्लिक का अपना गाड़ी रहता है, बस स्टॉप वहाँ पे है, तो इसी कारण वो जो जगह हो जाता है जाम हो जाता है, जिससे कि लंबा जाम होता है। तो इसीलिए जगह के लिए हम लोग क्या करें, काफी जगह ये पार्किंग फैसिलिटी जैसे दुर्गा पूजा पंडाल का, जंगली घाट दुर्गा पूजा पंडाल हो गया, जंगली घाट स्कूल हो गया, पेट्रोल पंप के सामने अभी एक सब्जी मार्केट के बगल में जो जिंदगी कल पार्किंग एरिया हम लोग बनाया है, तो वहाँ गाड़ी खड़ा करके यहाँ आके अपना काम करने से ट्रैफिक का सुविधा कम, कई लोग पार्किंग में जा नहीं रहे, गाड़ी में आजकल सबसे सस्ती गाड़ी खड़ा करना है, जस्ट जाना है अपने जो गेस्ट के और पेरेंट्स भी चाहते हैं बच्चों को प्रॉब्लम ना करे, गाड़ी में ही खड़ा रखते हैं। यदि ये अगर हम लोग अपना ड्यूटी समझने से अपना खुद का, तो ऐसा सुविधा जंगली घाट का जो पार्किंग प्लेस अभी बना है, जैसे होलगर बस के सामने में जो नया पार्किंग प्लेस बना है और अंदर जंगली घाट स्कूल के सामने जो पार्किंग प्लेस बना है, ये सब पार्किंग प्लेस पीडब्ल्यूडी बना करके पीबीएमसी का हैंडओवर किया हुआ है ये पार्किंग के लिए, इसका टेंडर प्रोसेस चल रहा है, कम्प्लीट नहीं हुआ, उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम है रोड साइड में पार्किंग करने का ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्किंग बना है वो सफिशियंट नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा भी व्हीकल हो चुका है पोर्ट ब्लेयर में। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्किंग प्लेस में ही लोग अपना गाड़ी पार्क करें, इसके लिए हमने टाइम टू टाइम चलान कर रहा है और पिछले साल 2016 में हमने करीब 50,000 से ज्यादा चलान किया और 85 लाख के आसपास पैसे करके जो है